हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो हमारा है ये एम्पलीफायर 100 वाट डबल ट्रांसफार्मर, तो ये रवि वेस का एम्पलीफायर है। तो इसमें क्या है कि प्रॉब्लम साउंड नहीं आ रहा है, आउटपुट में साउंड जो है बहुत ही ज़्यादा होमिंग कर रहा है, या किसी कारण बस इसमें साउंड का प्रॉब्लम आ रही है और आवाज़ जो है अच्छी तरीके से निकल नहीं पा रही है और साउंड बहुत ही बेकार आ रही है। तो मैंने इस एम्पलीफायर को कैसे रिपेयर किया और कैसे ठीक किया और कहां पर आपका जो ये प्रॉब्लम हो सकता है आवाज़ का, तो चलिए इस वीडियो में आपको पूरा दिखाएंगे मैंने क्या क्या किया। यहां पर देखिए, दो ट्रांसफार्मर अलग से लगी हुई है और एक ट्रांसफार्मर मेन ट्रांसफार्मर है, और यहां पर कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो ग्रीन कलर का है, और पीछे तरफ में ट्रांजिस्टर लगी रहती है, और ये रेजिस्टेंस हमारा जल गया। ये रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर आवाज़ का प्रॉब्लम हो सकती है, आवाज़ आपका सही तरीके से नहीं आए या लोड लेने की क्षमता ना हो और आवाज़ खरखराएगा। तो एक रीजन रेजिस्टेंस की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो रेजिस्टेंस अगर न्यू लगा देते हैं, सेम वैल्यू 2.2 या 3.3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगेगा, तो इस तरह का वैल्यू का रेजिस्टेंस आप लगा के उसके बाद अगर वैल्यू नहीं पता चलता तो यहाँ पर जो जलता है फ्रेंड वो 2.2 या 3.3 ओम का ही रहता है, तो उस वैल्यू को यहाँ पे लगा देंगे। लगाने के बाद भी आपका आवाज़ सही नहीं आएगा, तो यहाँ पे आउटपुट में जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इस ट्रांजिस्टर को चेक करना पड़ता है। अगर चेक नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे सारा का चार ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और एक 5 ट्रांजिस्टर है, तो पाँचों का पाँचों ट्रांजिस्टर यहाँ पर चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर 4 ट्रांजिस्टर को चेंज करके देखा और एक ट्रांजिस्टर को छोड़ दिया, क्योंकि वो चेक किया था वो सही बता रहा था। तो चारों ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद और एक रेजिस्टेंस जो जला हुआ है उसको चेंज करने के बाद हमारा जो ये एम्पलीफायर पूरी कंप्लीट तरीके से बन गया है और साउंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे जो भी कनेक्शन है जो खोलेंगे वो सेम उसी तरीके से यहाँ पर कनेक्शन करते जाएँगे। मोबाइल में एक फ़ोटो खींच लेंगे जिससे कि आपको ईजिली कनेक्शन पता चले कौन सा कनेक्शन कहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो मैंने उसी तरीके से यहाँ पे कनेक्शन किया क्योंकि मैं इसको पहली बार रिपेयर कर रहा था, तो इसलिए इसका पूरी तरीके से वीडियो नहीं बना पाया। तो फिलहाल मैं इसका किस तरीके से रिपेयर किया उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताया। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है हमारा पूरा गर्म हो गया था और जल गया था, जिसके कारण से आवाज़ सही से नहीं आ रहा था। उस रेजिस्टेंस को भी मैंने चेंज किया और यहाँ पर एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर लगी हुई है, 3055 का ही है, लेकिन यहाँ पे मैं ओरिजिनल लगाऊंगा बाद में। और यहाँ पे लगाया बेल कंपनी का ट्रांजिस्टर, आप बेल कंपनी का ही ट्रांजिस्टर यूज करें ताकि वो अच्छी क्वालिटी का होता है, जिससे कि आने वाले जिससे कि लास्टिंग ज़्यादा दिनों तक करे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए मैं रेजिस्टेंस को आपको दिखाता है किस तरीके से हमारा ये रेजिस्टेंस जला हुआ और मैंने इस रेजिस्टेंस को लगाया। तो इस रेजिस्टेंस में भी वैल्यू बता रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत 19-20 का वैल्यू होता है, तो फ्रेंड यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही थी हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा। लग रहा था कि मेरे एम्पलीफायर बन नहीं पाएगा, तो मैं जो बताया कि रेजिस्टेंस इस तरह का जला हुआ काला है, थोड़ा बहुत जला है, तो आप यहाँ पे चेंज करने का कोशिश करें ताकि आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए मैं रेजिस्टेंस को भी आपको चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पे मेरा मल्टीमीटर का वायर का रेजिस्टेंस जो है 5.8 या 6.8 बता रही है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा जो रेजिस्टेंस वैल्यू बताएगा। तो यहाँ पे 19-20 रहता है फ्रेंड और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बता सकता है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड 2.2 या 3.3 या इसी के आसपास का रेजिस्टेंस आप लगा के चेक कीजिएगा। 2-3 वैरायटी का आपको रेजिस्टेंस लेकर आना होगा अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू बता रही है रेजिस्टेंस का, और नया मैं जब चेक करके दिखाऊंगा नया का वैल्यू बहुत ही कम रहता है, तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस यहाँ पे चेक करके आप लगा सकते हैं, या मार्केट में जो मिल रही है उस रेजिस्टेंस को लाएंगे और एक एक करके लगा के चेक करेंगे साउंड किस में बेटर और वेस्ट आ रही है। तो फ्रेंड आज का वीडियो यही था, तब तक के लिए बाय। फिर से एक नया वीडियो और इससे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कॉमेंट, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिसका प्रॉब्लम इस तरह का आता है। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।